खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, दिन की बड़ी खबरों का बुलेटिन पंचनामा लेकर हाजिर है हम पांच एंकर। इस बुलेटिन में राजनीति से लेकर अपराध की सारी अहम खबरें दिखाएंगे आपको। जी हां, बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक जंग अब गाने के जरिए लड़ी जा रही है। दोनों ही पार्टियों ने आज अपने थीम सॉन्ग लॉन्च किए हैं, पूरी खबर आगे आपको दिखाएंगे। जी हाँ, इसके साथ साथ कल बीजेपी 2019 चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करेगी। सूत्रों के मुताबिक घोषणा पत्र में एक बार फिर से राम मंदिर को शामिल किया जा सकता है, पूरी खबर आगे। एमपी के सीएम कमलनाथ के निजी सचिव के यहाँ इनकम टैक्स की छापेमारी हुई, अब तक करीब 9 करोड़ नकद जब्त किया गया है, पूरी खबर आगे दिखाएंगे। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। एबीपी न्यूज को दिए गए पीएम मोदी के इंटरव्यू के वीडियो क्लिप को ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया। राहुल गांधी ने लिखा है कि राफेल के मुद्दे पर पीएम मोदी भाग सकते हैं लेकिन छिप नहीं सकते। राफेल को लेकर पीएम मोदी से एबीपी न्यूज ने सवाल पूछा था, उसके क्लिप को ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एबीपी न्यूज पर प्रधानमंत्री के दिए इंटरव्यू के एक हिस्से को ट्वीट करते हुए लिखा, आप भाग सकते हैं लेकिन छिप नहीं सकते, आपके कर्म आपको घेरने ही वाले हैं, देश आपकी आवाज में सुन सकता है, सच शक्तिशाली है, मैं आपको भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बहस की चुनौती देता हूं। दरअसल राहुल गांधी ने राफेल पर पूछे गए सवाल को लेकर पीएम मोदी को घेरा। राफेल के सवाल पर पीएम मोदी ने क्या जवाब दिया था, अब आप एक बार वो सुन लीजिए। आप इतने बायस हैं और मैं सीधा आज अभी एबीपी पर आरोप लगाता हूं। ये मेरा आरोप ये है, एक झूठ जो कहीं सिद्ध नहीं हुआ, झूठ बोलने वाले को सवाल पूछने की आपकी हिम्मत नहीं है। इतने बड़े स्वतंत्र मीडिया की बातें करने वाले लोगों ने 6 महीने से एक झूठ चल रहा है, एक सवाल नहीं पूछा है। पार्लियामेंट में सारे जवाब हमने दिए हैं, फिर भी नहीं पूछने की हिम्मत आपने नहीं बताई, आपकी क्या मजबूरी है आप जाने। और चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आज पहली बार मायावती और अखिलेश यादव एक साथ एक मंच पर नजर आए। मायावती ने मुस्लिम समाज से क्या अपील की, देखिए। पहली बार 2019 चुनाव से पहले मायावती, अखिलेश यादव और उनकी सहयोगी पार्टियों के नेता एक साथ एक मंच पर नजर आए। सबसे पहले मायावती ने देवबंद के मंच से मोदी सरकार पर वार किया। आज जैसे ही आपकी इस अपार भीड़ की जानकारी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मिलेगी तो फिर वे इस बने गठबंधन से घबराकर अब जरूर पगला जाएंगे। इस बार चुनाव में या खासकर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी जा रही है और गठबंधन आ रहा है। मायावती ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और मतदाताओं को कांग्रेस को वोट ना देने की हिदायत भी दे दी कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इस लायक नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सके, गठबंधन ही इस लायक है कि वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकता है। मैं खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को भावनाओं में बहकर रिश्ते नातों यार दोस्तों के चक्कर में आकर अपने वोट को बांटना नहीं है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धर्म या संप्रदाय के नाम पर वोट नहीं मांगे जा सकते, बावजूद इसके मायावती ने मुस्लिम समुदाय से वोट की अपील की। तो इधर से वार हुआ उधर से पलटवार भी हो गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मायावती के एक विशेष समुदाय से वोट की अपील पर आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा कि पार्टी धर्म के नाम पर वोट न मांगे। मैं हर धार्मिक ग्रुप रिलीजियस डिनोमिनेशन से हम लोग अपेक्षा करेंगे कि धर्म के नाम पर इस प्रकार की अपील न करें। हर एक का वोट होता है, अल्पसंख्यक का भी है, मुस्लिम कम्युनिटी का तो है, बाकी वर्गों का भी है, लेकिन केवल उन्हीं का वोट है, दूसरों का नहीं है, इस गलतफहमी में कोई राजनीतिक दल ना रहे। तो ये तो मायावती के बयान की बात हुई, लेकिन देवबंद में ही एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के शराब वाले बयान पर पलटवार किया। शराब बोलने वाले लोग सत्ता के नशे में हैं, वो तमाम अपने सपने भूल गए
ये गठबंधन ये मिलावट का गठबंधन नहीं है, ये महापरिवर्तन का गठबंधन है और देश में एक नई सरकार देने का गठबंधन है। अखिलेश यादव ने देवबंद में कहा, चौकीदार की चौकी छीन लेंगे। यही गरीब किसान दलित अल्पसंख्यक यही पिछड़े इस बार मिलकर के एक एक चौकीदार की चौकी छीनने का काम करेंगे। और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे देते हैं। आयकर विभाग की छापेमारी को लेकर अश्विनी कुमार के घर पर हंगामा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की, आयकर विभाग की छापेमारी पर अश्विनी कुमार के घर हंगामा हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, कमलनाथ के करीबी हैं अश्विनी शर्मा। आयकर विभाग की छापेमारी कल रात से ही चल रही है अलग अलग ठिकानों पर, और आयकर विभाग की छापेमारी पर अश्विनी कुमार के घर किस तरह हंगामा हो रहा है आप देख सकते हैं। इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, कमलनाथ के करीबी हैं अश्विनी शर्मा, और आप देख सकते हैं जो झड़प हुई है वो पुलिसकर्मियों और सीआरपीएफ के बीच हुई है। अश्विनी शर्मा के घर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सीधा रुख करते हैं बीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, सीआरपीएफ और पुलिसकर्मियों के बीच ये मुठभेड़, माफ कीजिएगा ये झड़प, आखिर क्यों? देखिए पूरा मामला बहुत कुछ फिर वैसे ही टर्न लेता जा रहा है जैसा सादा कांड में हुआ था पश्चिम बंगाल की पुलिस और सीबीआई के बीच। यहाँ भी यही मामला हो रहा है कि जो सीआरपीएफ है वो चाह रही है कि जो अश्विन शर्मा है उसको लेके दिल्ली ले जाया जाए, और मध्य प्रदेश की पुलिस उनको ले जाने नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश पुलिस का कहना है कि जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते हैं उनके पास गिरफ्तारी का अधिकार नहीं होता है, तो जब तक उनके पास गिरफ्तारी वारंट नहीं होगा तब तक अश्विन शर्मा को नहीं ले जाने देंगे। और चूंकि वहाँ इनकम टैक्स ऑफिसर इनकम टैक्स की टीम अपने साथ सीआरपीएफ को लेके आई है, केंद्रीय रिजर्व को लेके आई है, तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के बल और पुलिस के बीच यहाँ मध्य प्रदेश पुलिस के बीच तनातनी चल रही है कि वो चाह रहे हैं कि इसको दिल्ली ले जाया जाए अश्विन जोशी को। और मध्य प्रदेश पुलिस का कहना है कि अश्विन जोशी के परिवार वालों ने कहा है कि उसको किडनैप करके ले जाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए वो उसको नहीं जाने दे रहे हैं। तो कुल मिला के तनाव की स्थिति बनी हुई है सीआरपीएफ और मध्य प्रदेश पुलिस के बीच में। बहुत कुछ वैसी स्थिति है कि जैसा संघीय ढांचे में जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के बीच जो तनातनी होती है ये कुछ इनकम टैक्स के साथ उसी अंदाज में टर्न होते जा रहे हैं, और दोनों जो एक केंद्रीय संस्थान है और एक राज्य स्तरीय संस्थान है दोनों भी तनातनी चल रही है। मध्य प्रदेश पुलिस और सरकार को लग रहा है कि यदि अश्विन जोशी अश्विन शर्मा को दिल्ली ले जाया गया तो उसके बाद वहाँ उनको कुछ वो जो कुछ बयान देगा उसके आधार पर मध्य प्रदेश के जो बड़े नेता हैं बड़े ऑफिसर्स हैं या कुछ जो जो जिन लोगों पर छापे पड़े हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ की जो सहयोगी हैं मिगलानी और कक्कर इनके खिलाफ वो बयान दे सकता है, इसी वजह से उसको दिल्ली ले जाने से रोका जा रहा है। इसमें मध्य प्रदेश पुलिस अड़ गई है कि हम इसको दिल्ली ले जाने नहीं देंगे, जो पूछताछ करनी है आप पूछताछ यही करिए, क्योंकि उनका मानना है कि जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते हैं उनके पास गिरफ्तारी का की ताकत नहीं होती, गिरफ्तारी के राइट नहीं होते हैं। इस वजह से दोनों के बीच तनातनी चल रही है, थोड़ी देर पहले झुमझ रखी हुई है और अब से दोनों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। ब्रजेश, क्या वैसी स्थिति यहाँ पर बनती हुई आपको नजर आ रही है जैसे कि हमने पश्चिम बंगाल में देखी थी जब पश्चिम बंगाल के पुलिस कमिश्नर को सीबीआई की टीम पकड़ने गई थी? बिल्कुल 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 वही स्थिति बन गई है कि एक तरफ केंद्रीय पुलिस बल है जिसका कहना है कि हम इस जो आदमी पकड़ाया है जिसपे छापे पड़े हैं उसको दिल्ली ले जाएंगे, और हमारा जो मध्य प्रदेश की राज्य पुलिस है वो कह रही है कि इसको दिल्ली ले जाने नहीं देंगे क्योंकि परिवार के लोगों का आरोप है कि उसको किडनैप करके ले जाया जा रहा है, अपहरण करके ले जाया, तो यदि आप गिरफ्तारी वारंट दिखाइए और ये तमाम कागजात दिखाइए उसके बाद ले जाने की परमिशन मिलेगी। मगर जी ब्रजेश, सवाल ये है कि क्या पुलिस के पास वारंट नहीं है? किसिंग में घुसना चाहती है और तो उसको अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, तो एक बड़े तनाव की स्थिति लंबे समय से बनी हुआ, थोड़ी देर पहले आपस में झुमा झटकी हुई थी, एक दूसरे को धक्के मारे थे सीआरपीएफ और मध्य प्रदेश पुलिस के बीच में, तो अभी भी तनाव बना हुआ। पूरी वजह वही है कि उसको अश्विनी शर्मा है जिसने बीजेपी न्यूज से बात करते हुए कहा था कि मैं बीजेपी का आदमी हूँ, मैं किसी कांग्रेस का नहीं बीजेपी का आदमी हूँ, उसको ये इनकम टैक्स ऑफिसर दिल्ली ले जाना चाहती है, मध्य प्रदेश पुलिस उसको ले जाने दोनों के ऑफिसर्स से बातचीत हो रही है।
जी, लेकिन ब्रजेश मेरा सवाल ये है कि क्या उनको दिल्ली ले जाने के लिए किसी तरह का वारंट है वहाँ पर अधिकारियों के पास जो पहुँचे हैं वहाँ पर? अभी जो मध्य प्रदेश पुलिस का ऑफिसर है उनका कहना है कि जो आयकर विभाग होते हैं ये सीबीआई की टीम से है नहीं, इनकम टैक्स के छापे हैं, इनकम टैक्स के ऑफिसर्स के पास गिरफ्तारी के कोई अधिकार नहीं होते, गिरफ्तारी के राइट्स नहीं होते, तो इसलिए इस आदमी को अश्विन शर्मा को गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, उसको नहीं ले जा सकते, इसी बात पर तनातनी चल रही है। इनकम यदि सीबीआई वहाँ तो पश्चिम बंगाल में सीबीआई और राज्य पुलिस के बीच टकराव हुआ था, मगर यहाँ पे इनकम टैक्स जो केंद्रीय एजेंसी है उसके बीच और मध्य प्रदेश पुलिस के बीच टकराव चल रहा है। पुलिस का कहना है कि इनकम टैक्स जांच करे, कागजात इकट्ठे करे और कागज ले जाए, मगर किसी व्यक्ति को ले जा नहीं सकते क्योंकि उसके परिवार के लोगों का आरोप है कि दिल्ली से लोग आए हैं और उसको गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, जबकि उनके पास गिरफ्तारी का कोई राइट नहीं है। ये तनातनी फिलहाल चल रही है। चलिए, हमें रेट से कोई लेना देना नहीं है, जो लोग बीमार हैं उनको तो निकलने दे बाहर, पूरा कॉम्प्लेक्स ही बंद कर दिया आपने, आप घर बंद कर दीजिए ना उसका, नहीं दे रहे, यहाँ का लोकल SHO उसको भी रोक दिया, उस पर बातचीत सुबह 12-13 घंटे से बंद किए हुए हैं लोगों को, तो सर एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है जिसमें लोग परेशान हो रहे हैं, वो लोकल SHO को फोन कर रहे हैं कि उनको मदद चाहिए, उनको बाहर जाना है, उनके बच्चे परेशान हैं, उसके लिए बात कर रहे हैं। 12 घंटे से किसी को नहीं जाने दे रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, भोपाल में आयकर विभाग का छापा पड़ा है अश्विन शर्मा के घर, उन्हें दिल्ली ले जाने की तैयारी है और उसी को लेकर ये तनातनी CRPF और राज्य की पुलिस के बीच। आप देख सकते हैं किस तरह आमने सामने मध्य प्रदेश पुलिस और CRPF के जवान, अश्विन शर्मा को दिल्ली लाने की तैयारी है और भोपाल में किस तरह ये गतिरोध उनके घर पर चल रहा है आप देख सकते हैं, हंगामा हो रहा है वहां पर, IT विभाग की रेड्स कमलनाथ के करीबियों के अलग अलग ठिकानों पर पड़ी है, अश्विन कुमार के यहाँ छापेमारी हुई, उन्हें दिल्ली ले जाने की तैयारी हो रही है और CRPF और मध्य प्रदेश पुलिस उसी को लेकर आमने सामने।